अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपटा चना चाट की रेसिपी। इसके लिए चने को इस कप से 2.5 कप चने को धो के भिगा के रखी थी। भीगा हुआ चना है, ये फूल के इतना हो गया है। इसको कुकर में डाल के चने को पानी हटा के डालियो मैं। इसी में डाल देंगे पानी उबालने के लिए। चने डूबने तक डालना है, चने डूबना चाहिए इतना काफ़ी है। इसी में डाल देंगे चने के हिसाब से 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हो। 2.5 कप चने के लिए मैं 1 टेबल स्पून नमक डाली हूँ मैं। इसको 3 से 4 सीटी गैस का फ्लेम हाई रख के लगा लेंगे। 4 से 5 सीटी आ चुकी है, ठंडा होने के लिए वेट करेंगे। दूसरी तरफ मसाला तैयार कर लेंगे। कूट लेंगे मसाला को। 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, मेरा छोटे वाले कलियाँ, आप चाहे तो बड़े वाले हो तो 7 से 8 डाल दीजिए। इसी में डाल देंगे 3 हरी मिर्च, इस तरह कट करके डाल देंगे। हरी मिर्च, ज़ीरा और लहसुन का फ्लेवर इस चने के अंदर अच्छा आ जाएगा, मज़े का लगेगा ये चना चाट। इसको कूट लेंगे दरदरा, इस तरह दरदरा कूट लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं। इसको एक साइड रख देंगे, गैस की ओर चलेंगे। कुकर ठंडा हो चुका है, ज़्यादा मैश नहीं होना चाहिए चने, इस तरह गलना चाहिए। इसको पानी नहीं डालेंगे, पानी को हटा लेंगे। कढ़ी गरम होने के लिए रख दियो मैं। इसमें ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इतना, 1 चम्मच। इसी में डाल देंगे 1 बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। थोड़ा सॉफ्ट होने तक इसको टॉटे कर लेंगे। इसी में डाल देंगे हींग, 1/4 के करीब हींग डाल देंगे। इसी में डाल देंगे दरदरा कूटा हुआ मिर्च, हरी मिर्च, जीरा और लहसुन को मिक्स कर लेंगे डाल के। गैस का फ्लेम धीमा रख के इसको अच्छे से कच्चापन जाने तक भून लेंगे। इसी में डाल देंगे 1/2 टीस्पून काश्मीर रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम धीमा है, अच्छे से मिक्स कर लियो मैं। इसी में चने को डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम धीमा रख के इसमें प्याज ज़्यादा नहीं जाएगा, मैं बताए हुए मेजरमेंट में डाल दीजिए प्याज। इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। नमक कम लगा दो इसमें और 1 टीस्पून नमक ऐड कीजिए। ड्राई ड्राई रहना चाहिए ऐसा। 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुका है चने डालने के बाद, अच्छे से मिक्स हो चुका है मसालों के साथ। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होना चाहिए, इतना काफ़ी है। कर देंगे गैस को, कर देंगे बंद। इसी में डाल देंगे लेमन जूस, हरा धनिया को डाल देंगे। डिश ऑर्डर के बताती हूँ मैं। आप देख सकते हो हमारा चटपटा चना चाट बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए। मेरी रेसिपी देखने वालों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।